गाइस यहां पे गाइस यहां पे नीचे वाले डिजाइन पे मैं रुमाल रुमाल गाइस हाय गाइस हाय गाइस बिल्कुल फोटो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी ना हमारे घर के जो ठेकेदार है जो मतलब काम कर रहे हैं तो उनके साथ मैं मार्केट तक जा रही हूँ क्योंकि कल करवा चौथ है और करवा चौथ का काफ़ी सारा सामान मैंने नहीं लिया था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। साड़ी का रंग बताओ। ब्लू और पिंक है, मेरी पिंक है कल का हम दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। पिंक मेरे ब्लाउज है, पिंक। अच्छा मेरे पूरी साड़ी। तो गाइस अभी हम ना बाजार आए और यहाँ पे रश देखो, रश गाइस बहुत ज्यादा है। हम लोग ना यहाँ पे करवा चौथ का सामान लिए हैं, याद कर लेना, याद माल 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 का जो अंदर साइड माल होता है ना। मैं तो समझ वाले बोला। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं करवा चौथ का सामान लेने, तो यहाँ पे लगे हैं अभी चूज करने। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है हम बहुत सारी दुकानों मतलब बहुत सारी दुकान में जाएंगे, अलग अलग दुकान से कुछ ना कुछ सामान लेते रहेंगे, वो इसलिए ताकि सब सबकी सेल होती रहे। कौन सा ये वाला ना, कितना प्यारा है। हाँ ये अच्छा है, डिजाइन भी अच्छा है, कलर भी सुंदर लग रहा है। क्या दिखा, मंगलसूत्र। ऐसा मेरे मेरे ही मंगलसूत्र की चेन है, सच में लग रही है। मैं याना कलेक्शन का कलेक्शन पहनो, मैं मेरे सूट जचेगा ही नहीं ना, मेरे को फ्लोक साथ जाएगा। जैसी है याना कलेक्शन की, क्रश रश रश मेहंदी का रश। गाइज अभी हम व्यूज बनाए हैं थोड़ी कल के लिए, कुछ जुगाड़ कर रहे हैं ना। और यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, ये ना देख रहे हैं कि ऐसा रंग हो मेरे बालों में कैसा लगेगा और बाल किसके, मेरे। अगर आप गौर से देखो तो मेरे बाल पकड़ के बैठे और फिर नाच रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी तो हो गया ना, अभी हम यहीं पे अपना ब्लॉग खत्म करते हैं, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, कल का फिर से आएगा, इसी में मैं ऐड करूंगी वो आगे का जो भी पार्ट होगा। मेहंदी मुंदी लगाते हैं, ये मुझे मेहंदी लगाएगी क्योंकि आगे बाजार में बहुत रश है, कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं, इसलिए मेरी फ्रेंड मेरे साथ है जो कॉलेज में है। तो गाइज ये मेरी मेहंदी है, पता नहीं हमारे फोनों में अच्छी नहीं दिखती है, नकली आईफोन है ये, बट बहुत सुंदर लग रही है मतलब फेस के सामने, बट फोन में उतनी अच्छी नहीं लग रही। बट तो गाइज मैं बाजार आ गई थी घर के कपड़ों में, मतलब जो पिछले कल पहना था वही मैंने फटाफट पहना और उसी में मैं घर मार्केट तक आई क्योंकि तैयार होना था। गाइज मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये बोल रहे थे मैं आऊंगी तैयार घर से होके, तो देखो तैयार हो गया है। तो गाइज मैं रेडी होगी और देख सकते मेरा लुक ये है आज का लुक, ना कोई अच्छी जगह नहीं आ रही है फोटो लेने के लिए। तो अभी रेडी हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है हम बहुत ज़्यादा तैयार है, बट कोई बात नहीं, करवा चौथ हमारे लिए होता है। सो मैं अभी दिखाती हूँ आपको ये एक और का है, देखो ये है निधि, आप पहचान नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और इसने पहली बार मेकअप करवाया है जो कि बहुत अच्छा मेकअप हुआ, बहुत सॉफ्ट मेकअप हुआ है आपका, सो लुकिंग नाइस। ये गलती से देखी, गलती से डाली व्लॉग में, देखो पता है तेरी सबसे गंदी चीज़ व्लॉग में। मेरे बाल थोड़े उड़ रहे हैं गाइज, गाइज यहाँ पे हिना दी, सिमरन श्याम और कौन है कमलेश दी, अब मिलते हैं हम आपको आगे। तो गाइज यहाँ देखो हमारी सुंदर सुंदर सारी लेडीज, सिमरन श्याम, हीना चौहान,
कमलेश दी, मेघा चौहान और निधि और दो बंदे और है अभी, अपनी शाम और एक और है रचुदी, बस हम सब लोग हैं। और बताना कैसे कैसे लग रहा है, ठीक है? पूरा लुक में, पूरा लुक में आपको गाइज आगे दिखाऊंगी। हाँ, अभी आधा आधा लुक दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखो करवा चौथ वाले बंदे, मेरे को तो मैं लोटा लेके चली हूँ। हेलो 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 हेलो, हाय 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 हाय, सेम टू यू, सुंदर लग रहा है। हाँ गाइज देखो सारी वीडियो बना रहे हैं हम, सब ब्लॉगर ही आज की डेट में सब ब्लॉगर। नमस्ते नमस्ते, अरे शॉर्ट शूट करी थी मैम, थैंक यू सो मच। तो गाइज यहाँ पे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं रच्चू भाभी और अपनी भाभी, अच्छा लग रहा है आपको? मैं सच में थैंक यू सो मच यार, तारीफ हो रही है, पर मेरी ना बिंदी निकल गई है, अपनी भी बहुत सुंदर लग रही है, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, हमारा सारा ग्रुप सुंदर है वैसे। मैं भी। हाँ और यहाँ पे देखो हीना दी, मैं ये बोल रही बहुत सुंदर लग रही है, हमारा सारा ग्रुप सुंदर है। चलो क्या पहले कथा करते हैं। हाँ ठीक है, और यहाँ गाइज दो मैं दो आइटम में पा रहे हैं हमारे। तो गाइज अभी हम रेडी हो गया और मेरे हाथ में एक लोटा एक लोटा है हमारे साथ, देखो सब लोग क्या रहे, कमलेश दी, अबनी भाभी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाभी, और रच्चू भाभी और कमलेश दी, इनके बच्चे दो, इनके 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 बच्चे इनके बच्चे मेरे भी यही है। हिना दी सुहागी लेने चले गए और सिमरन पीछे पता नहीं क्या कर रही होगी, और अब हम आगे पूजा वगैरह करते हैं और ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और देखना एंड तक देखना ना, बिल्कुल फोटो के पोज में खड़े हैं सबके साथ, लाइक जरूर कर लेना यार। किनकी? प्रीति दीदी, पता नहीं कमलेश दी के नाम से। गाइस यहाँ पे देखो मिलन चारा हो रहा है। गाइस वाओ यहाँ देखो कितना मंदिर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यार, बहुत टाइम बाद देखा मैंने इतना सुंदर मंदिर। तो गाइस यहाँ पे ना थोड़े सुहागी की सामान आ रहा है, थोड़ा अलग अलग लेते हैं सब एक ही जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप सुहागी वगैरह रखी है, अभी इसकी हम पूजा वगैरह करेंगे, एक दिया लाया है, सिंदूर वगैरह सब कुछ, और ये है हमारी अपनी भाभी, तो यहाँ पे लोटा मेरा ही है ना, अपनी भाभी बोला मैंने, हाँ रच्चू भाभी। और मंदिर गाइस बहुत सुंदर लग रहा है ना, क्या बोलते हो? मंदिर बहुत सुंदर, लाइटर ना सिमरन क्या करे हम, हाँ कथा गाइस हम पहले कथा कर देते हैं। अभी ना हम कथा करेंगे पहले, उसके बाद तो गाइस यहाँ पे अभी पूजा की तैयारी हो रही है, सो हम लोगों ने सबने कर दिया है अपना अपना काम। गाइस अभी हम करवा चौथ कहते हैं, इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है, इसका विधान चक्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि। तो यहाँ पे ना साड़ी का पल्लू हमसे लग नहीं रहा था, तो यहाँ पे अपनी भाभी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी मेरा पल्लू लगाने के लिए, और यहाँ पे रच्चू भाभी पढ़ रहे हैं कथा, और फ़ोन दूर है तो उस वजह से आवाज़ नहीं आ रही है कथा में। तो हम लोग कोई पांच जने थे जो कि दो मंदिर के बाहर ही थे, वो लोग बाहर कथा पढ़ रहे थे, तो मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अपनी भाभी को बहुत है, तो अपनी भाभी यहाँ बता रहे थे कि ये भाभी तीन बार घूमना है और उसके बाद पानी नीचे रखना है ताकि इंद्र हमारी पूजा ना ले जाए, क्योंकि फिर बोलते हैं इंद्र को लगती है वो सारी पूजा वगैरह, तो बस वही कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे मंदिर को भी ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया था, तो आगे से मैं वीडियो नहीं ले रही थी क्योंकि मंदिर के अंदर माता की वीडियो लेना मतलब मना करते हैं ये लोग, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अब शूट भी कर रहे थे।
इधर, ठीक है, ओके बाय 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 गाइस। गाइस गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, बस अब हम भी जा रहे हैं। पूजनी होती है वो सारी मैंने पूज दिया। और सो गाइज यहीं पे अब करवा चौथ ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। और अभी हालत ऐसी होगी ना, मतलब भूख नहीं मुझे लगी, सच बोल रही हूँ मैं। अभी तो मैंने नीचे जाके पनीर लाया था, मैंने पनीर बनाऊंगी, अभी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है। सो अभी मेरी हालत ऐसी होगी कि मतलब थकावट हो रही है खड़े खड़े ना, बहुत टाइम से ऐसे था। और पीछे बड़ा सारा मैस पड़ा हुआ, उसको तो इग्नोर ही कर लेना। अभी मैं इतना ही ब्लॉग बनाती हूँ। और मेरा देखो, मेरी बाजू का डिज़ाइन देख सकते हो, तो ये क्या बोलते ब्लाउज मेरी मामी ने स्टिच किया, तो बताना आप कैसा लग रहा है ये ब्लाउज। और इसका बैक का गला अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो बैक का गला कुछ इस तरह से। सो ब्लाउज भी बहुत अच्छा बना है, तो मैं अपनी मामी से ही करवाती हूँ मैक्सिमम चीज़ें स्टिच। सो अभी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।